यस। ओम साईंराम खन्ना साहब, आपके अर्जुन के लिए एक केस है। जीतू पकड़ा गया सर, उसने आपका नाम ले लिया सर। मिस्टर खन्ना, मुझे अर्जुन कपूर चाहिए। कपूर साहब अभी फिलहाल कोर्ट में हैं। हाँ हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि आप उनकी फीस दे सकते हैं, पर वो तो छोटे मोटे क्लाइंट्स लेते ही नहीं है ना। और अभी अभी न्यूज मिली है कि सनसनीखेज राय हत्याकांड के अभियुक्तों को मुंबई हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इस हत्याकांड में अभियुक्तों को फांसी लगना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से क्रिमिनल लॉयर अर्जुन कपूर ने अपनी दलीलों से ये साबित कर दिया है कि कानून का ये खिलाड़ी कानून से ऊपर है। कानून की ही कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर हमेशा जीतने वाला लॉ का ये जीनियस आज देश भर में मुजरिमों का मसीहा बन गया है। सोनम की तस्वीर को दोबारा देखिए। हम सबको तरस आता है कि सोनम इस हालात में मिली, लेकिन असलियत तो यह है योर ऑनर कि सोनम एक मिडिल क्लास घराने की लड़की थी जो बड़े बड़े सपने देखा करती थी। लालच और ग्लैमर के पीछे पड़ते पड़ते उसका यह हाल हुआ। अब मेरे क्लाइंट राज ठाकुर को देखिए, बिजनेस टाइकून, एलिजिबल बैचलर, वेल एजुकेटेड। भला उन्हें सोनम का रेप या मर्डर करके क्या फायदा होगा यार? मेरे क्लाइंट ने भरी अदालत में कबूल किया है कि सोनम शराब के नशे में उनके पास आई और दोनों हमबिस्तर हुए। But that's it, Your Honor. इस लड़की ने तो अपने छोटे छोटे फायदों के लिए काफी लोगों को हमबिस्तर किया है, जैसे कि मिस्टर वाधवा। सिर्फ 25,000 रुपए ना लौटाने के लिए वो उनके बिस्तर तक पहुंच गए। मिस्टर रघुवंशी, ऑफिस में तरक्की करने के लिए वो उनके बिस्तर तक भी चली गई। Your Honor, ये सारे सबूत तो मैं अदालत में पेश कर चुका, लेकिन मैं अदालत को एक बार दोबारा यह कहना चाहूंगा कि सोनम के शरीर पर जो राज की उंगलियों के निशान मिले थे वो उन दोनों के प्यार के दौरान मिले थे, मर्डर की वजह से नहीं। योर ऑनर, इंडियन पीनल कोड के तहत मर्डर में इस्तेमाल किया गया हथियार जब तक फिंगरप्रिंट्स के साथ अदालत में सबूत के तौर पर ना पेश किया जाए तब तक किसी भी आरोपी को किसी भी सूरत में गुनेगार साबित नहीं किया जा सकता। मीडिया मिस्टर अर्जुन कपूर, क्या बताएंगे कैसे आपने मिस्टर राज ठाकुर को बेगुनाह साबित कर दिया? हमेशा जानते थे कि हमारा क्लाइंट बेकसूर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मिले सारे सबूत राज ठाकुर के खिलाफ। मेरी बात कांट बिलीव दिस यार। लगता है सारी की सारी नस्ल ही ऐसी है। बेटी भी ऐसी थी, पहले तो मान गई, फिर लास्ट मोमेंट पर नाटक करने लगी, गुस्से में मार दिया। फॉरगेट इट राज, ये सब बातें मुझे नहीं सुननी। तुझे तो पता है यार, मैंने बूढ़ा बुढ़िया से कहा था कि कुछ ले दे के मामला सेटल कर लो, पर ब्लडी इडियट्स यार। जवान बेटी कमाती थी तो घर चलता था, और मुझे हैंग करवाने के सपने देख रहे थे। जस्ट स्टॉप इट, मुझसे ये बातें मत कर। क्या हुआ तुझे? हाँ,
ये सब बातें करके क्या फर्क पड़ता है? मतलब तू उस औरत के लिए मेरी बात नहीं सुनेगा, अपने दोस्त की बात नहीं सुनेगा? राज्य अदालत नहीं तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा वकील हूं, जज नहीं। कोर्ट के बाहर तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो। हाँ हूं। सो अगर तुझे याद ना हो अर्जुन, तो तुझे याद दिलवा देता हूं, तूने आज तक सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स को ही बचाया है। इनफैक्ट तेरी ये गाड़ियां, तेरा ये शानदार अपार्टमेंट सब उन्हीं के पैसों से आया है, राइट? अर्जुन यार, तूने जिंदगी को नहीं चुना, इनफैक्ट लाइफ है चोजन यू। यू आर बॉर्न टू डिफेंड क्रिमिनल्स माय फ्रेंड, चीयर्स टू दैट। मैं चलता हूं। अर्जुन ये ड्रिंक तो खत्म करके जा यार। अर्जुन अगर तुझे याद ना हो तो याद दिलवा देता हूं, इस केस को लड़ने के लिए अच्छे खासे पैसे दे रहा हूं। यू आर स्टक माय फ्रेंड, यू आर स्टक। मेरी बात तो अलग है। नर्क में जाएगा। इनफैक्ट तेरी ये गाड़ियां, तेरा ये शानदार अपार्टमेंट सब उन्हीं के पैसों से आया। हाई कोर्ट का जज होने के नाते नहीं, बल्कि एक बाप होने के नाते समझा रहा हूं कि वकालत पैसों के लिए नहीं, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए करना। कहां थी? एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, ऐसा भी कुछ होता है एडवोकेट कपूर? दिन भर में पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी क्रिमिनल से नहीं? I'm stressed out. I can't sleep. पहली बार रियलाइज हुआ कि मैंने डैड की बात क्यों नहीं सुनी। मैं हमेशा पैसा और नाम के पीछे ही भागता रहा। बेबी,
What's the problem? Nothing's the problem. It's just that I'm fed up. इन क्रिमिनल्स को बचाते बचाते मुझे मिलता है क्या है? हाँ? लोगों की बदवाई, कर्सेस, गाली. हर केस खत्म हो जाने के बाद मुझे सिर्फ कोसा जाता है, गालियां दी जाती है. क्या पाया मैंने? ये पैसा जो मुझे चैन के दो पल नहीं दे सकता. I'm tired of it. बट ये तुम्हारा प्रोफेशन है अर्जुन, ये सब क्या सोच रहे हो? It's part of being a criminal lawyer. And I'm sure we all know that. Yes, of course I know it's part of being a criminal lawyer, and that's why I'm fed up. मुझे उनकी आवाजें सुनाई देती, वही चेहरे नजर आते. I think enough is enough. That Raj is guilty, और मैं कल सुबह उसका केस छोड़ रहा हूँ, and that's fine. Please don't. Let's meet up and discuss. You want me to come over? I'll talk to you tomorrow, baby. Bye. Are you insane, Arjun? No way. You cannot quit from this case now. और मैं तुम्हें इसकी इजाजत भी नहीं दूंगा. देखो अर्जुन, ऐसे प्रोफेशन में हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वो गिल्टी महसूस करता है. सो बिग डील, ओवरकम इट एंड फिनिश द केस. कम ऑन. ऑल राइज. So let us proceed with the final hearing of the case. Your Honor, मैं अपने क्लाइंट राज ठाकुर से कुछ सवाल करना चाहता हूं. जहां तक मैं समझता हूं, आपकी और प्रोसिक्यूशन की विटनेसेस की सारी दलीलें कल खत्म हो गई थी और आज फाइनल डिसीजन लेना था प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द केस यू हैव प्रेजेंटेड सो फार. आई होप यू रियलाइज दैट. यू एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर. लेकिन कल शाम मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आई जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा. क्या इजाजत है? प्लीज अप्रोच द बेंच. सो मिस्टर राज ठाकुर, कल जब आप अपने होश और आवाज में थे, आपने मुझसे कहा था कि विक्टिम सोनम का खून और रेप करने से पहले आप 10 और 12 पेग डाउन थे. इज दैट राइट? ये ठीक है मिलॉर्ड. क्या बकवास कर रहे हो तुम? I asked you to approach the bench. तुमने मुझसे ये भी कहा था कि सोनम शुरुआत में मान गई थी, लेकिन जब उसे थोड़ा सा होश आया तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब उसने नहीं माना तब approach जाके the bench, I said. तब जाके तुमने उसका खून कर दिया. Just stop it, my lord. Stop it, Advocate Kapoor. Please approach the bench right now. I will not stop it, my lord, and I will not approach the bench because I'm not done yet. I will hold you in contempt of court. I hold myself in contempt of court, my lord, क्योंकि ये आदमी एक रेपिस्ट, एक खूनी है. Hang this man, my lord. Give him capital punishment. That is my request. Enough is enough. I've had enough of your arguments. Aapne court ki bezati ki hai and court will not tolerate this. Advocate Kapoor. Arjun Kapoor ko bar counsel ke samne pesh kiya jaye. Aur tab tak ke liye adalat ki karwai roki ja rahi hai. क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है? जी हाँ. मिस्टर ठाकुर, आप दूसरा वकील हायर कर लीजिए एंड यू कैन प्रोसीड विथ योर केस. श्योर सर, एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू डू सो. क्योंकि ऐसे बददिमाग वकील से तो यही बेहतर होगा. वैसे करना क्या चाहते हैं आप? आई थिंक आई नीड अ ब्रेक. ठीक है, जब प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की समझ आ जाए तब अपना लाइसेंस रिन्यू करा लेना. ये सब क्या किया तुमने अर्जुन? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे खासे करियर को क्यों खत्म कर रहे हो? यू आर गोइंग टू बी अ पार्टनर इन द लॉ फर्म. इनफैक्ट उर्वशी, मैंने भी इसे यही कहा था. बहुत गलत किया तुमने अर्जुन. यू विल पे फॉर इट. ना ही मेरी दोस्ती का ख्याल किया और ना ही मेरे दिए हुए पैसों का.
Hey, listen to me, man. You listen to me, Advocate Arjun Kapoor. इस केस से जैसे तैसे मैं तो बच ही जाऊंगा, हो सके तो आगे तुम बचना मेरे गुस्से से, क्योंकि मैं अपने इंसल्ट कभी नहीं बोलता। मैं क्रिमिनल्स को बचाता हूं, उनके मुंह नहीं लगते। कम ऑन अभिषेक। मिस्टर राज ठाकुर, क्या ये सच है कि आपके अपने वकील अर्जुन कपूर ने भरी अदालत में आपके ऊपर रेप और मर्डर के आरोप लगाए? मिस्टर ठाकुर, हमेशा अपराधियों को बचाने वाले लॉयर अचानक एक केस की सच्चाई जानकर कैसे बदल गए? सच्चाई वो नहीं जो अर्जुन कपूर ने कोर्ट को बताई, सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने एडवोकेट जेठमलानी को हायर कर लिया। He'll prove my innocence and you all shall know. But what about Arjun Kapoor's blame? वो मेरे और उसके बीच की बात है और उसका जवाब मैं उसी को दूंगा। Right? Thanks. सवाल ये है कि आखिरकार गुनहगारों को बचाने वाले अर्जुन कपूर ने एकदम से अपना फैसला क्यों बदला? सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसे कौन से इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस पैदा हुए कि दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे? क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि अर्जुन कपूर का सोया हुआ जमीर जाग उठा है? इन तमाम सवालों के लिए हमें वक्त का इंतजार करना होगा। रुमाना एहसास। Did you see his face? It's like अगर तुम उसके सामने होते तो। अर्जुन, he can be dangerous. अपने 4 साल के करियर में काफी डेंजरस चेहरे देखे मैंने, मुझे से डर नहीं लगता। You're dealing with criminals. Was dealing with criminals until now. I know that. अपना डिसीजन तो ऐसे ले लिया जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती। कभी ये सोचा है कि मैं कोर्ट से वापस किसके साथ घर लौटूंगी, किसके साथ ऑफिस में कॉफी शेयर करूंगी, किसके साथ केस की दलीलों पर बहस करूंगी, और अगर एडवाइस की जरूरत पड़ी तो? तो खन्ना साहब उनसे पूछ ले। I'm sorry, Rishi, but I need a break, okay? मैं किन चीजों से गुजर रहा हूँ कोई समझ नहीं सकता, और ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई करे। सॉरी, आई डिडंट मीन टू। तो क्या डिसाइड किया, क्या करोगे? Go. I need to get away. From everything and everyone. मैं परिवार फैमिली का हूं। अकेले कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। और मैं यहां क्या करूंगी? प्रैक्टिस, फाइट फॉर जस्टिस, और हो सके तो मेरा इंतजार। You mean we won't be in touch? No calls? Nothing? ठीक है। कब जा रहे हो? कल। The earlier the better. I hope you understand. This is the story of the devil's advocate, Abakadi Setona. Abakadi Setona. बादशाह जो चाहे कर सकता हूँ, फांसी के तख्ते से मुजरिम को वापस मैं ला सकता हूँ,
जमीर ने किया सवाल, अब सही गलत का है ख्याल, खुद को दे रहा था झांसा, अब पलट गया है पासा। हेलो सन, हेलो सन, इज दिस फॉर हायर? इट्स ऑलरेडी हायर। सो व्हाट, हायर शेयर कर लेंगे। फिशिंग करने को बड़ा मन कर रहा है आज। मैं फिशिंग करता हूँ, गाता नहीं हूँ। आई वोंट डिस्टर्ब यू। मानेंगे नहीं? व्हाट द हेल, कम ऑन। Thank you. Come on. Give me your hand. Whoa. Yeah. Thank you. Any luck? Nothing yet. So, batao, young man, tum yahan kya kar rahe ho? छुट्टियां मना रहे हो? छुट्टियां? अरे नहीं, ये तो मेरी रिटायरमेंट पॉलिसी है। रिटायरमेंट? अरे ये सब बातें तुम मुझ जैसे ओल्ड मैन को सूट करती हैं। इट्स गेटिंग चॉपी। ऐसा क्या हुआ? नथिंग। तो फिर इतनी सी उम्र में रिटायर? एक्चुअली आई एम अ लॉयर। ओहो। लॉ प्रैक्टिस किया करते, काफी बिजी था। इन लोग मेरे आगे पीछे भागा करते। सही गलत इन सब चीजों का तो अंदाज ही नहीं है। जो चीज मायने रखती थी बस जीत। पता चला कि इट्स ऑल नॉट वर्थ एंड हियर आई एम। सो यू आर अ प्योर मैन नाउ? शायद। यू नो, हमारे और मेरे बीच एक बात कॉमन है, लॉ। रियली? या, मैं भी एक लॉ फर्म में नौकरी करता था और अभी मैंने एक नॉवल लिखा है, क्राइम थ्रिलर बेस्ड ऑन लॉ। साउंड्स इंप्रेसिव। पढ़ना चाहोगे? आई लव टू। फिर शाम को मेरे घर मिलते हैं, एक एक ड्रिंक भी हो जाएगा और मैं तुम्हें वो किताब भी दे दूंगा। साउंड्स लाइक अ प्लान। यू सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज माय लाइफ। हर आदमी चाहता है कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें, और मुझे पूरा यकीन है ये किताब एक दिन छपेगी और मेरा नाम दुनिया में याद रखा जाएगा। बहुत करीब है आपके दिल से किताब। पहला और आखिरी नावल जो है, अब इस उम्र में इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकता ना मैं। I'm sure. प्लीज
डू रीड इट, यू विल लव इट, इट विल चेंज योर लाइफ. फिक्स द फॉक्स, इंटरेस्टिंग टाइटल. हेलो. हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ मैकनमारा. हे मिस्टर मैकनमारा, बहुत लंबी उम्र है आपकी, आपके बारे में ही सोच रहा था. क्या तुम्हें दो चार पेज पढ़ने का मौका मिला? दो चार पेज सारी रात पढ़ता रहा. व्हाट अ बुक मिस्टर मैकनमारा, व्हाट अ बुक, रियली फैंटास्टिक. एक एक कैरेक्टर्स दिमाग में रहते हैं, बहुत डिटेलिंग, ऐसे लग रहा है सब कुछ आंखों के सामने ही हो रहा है. हाँ मिस्टर मैकनमारा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. Well, okay. I love fish curry. See you at one. Bye. Excuse me. कहाँ जा रहे हैं आप? जी मिस्टर मैकनमारा से. कोई रिलेटिव है आप उनके? जी नहीं. तो फिर किसी रिश्तेदार को जानते हैं? नहीं, क्यों? क्या बात है गायत्रुंडे साहब? शायद तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, आज सुबह डेथ हो गई. That's shocking. वैसे आप किस काम से आए थे? मेरी मुलाकात तो उनसे कल सुबह ही हुई थी, उन्होंने मुझे लंच पर बुलाया था. गायत्रुंडे साहब, अगर आप उनके किसी रिश्तेदार से कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें मेरा नंबर जरूर दे दीजिएगा. मेरा नंबर है 98679. हाँ बोलिए. 98679 60085. नाम? अर्जुन कपूर. ओके, थैंक यू. आदमी चाहता है कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें, और मुझे पूरा यकीन है ये किताब एक दिन छपेगी और मेरा नाम दुनिया में याद रखा जाएगा. Excuse me, ma'am. I was wondering if I can meet the owner of this company. Do you have an appointment? Well, no, but I was wondering if I can make one. Oh, Mr. Kapoor, I'll just organize it. Suno, sabko madam ke cabin mein le jao. Thank you. Welcome. Hi, Mr. Kapoor. What a pleasant surprise. Sophia. Pleased to meet you. Please sit. Thank you.
What brings the famous lawyer Mr. Arjun Kapoor to my publishing house? Well, actually, aapse kuch kaam. Really? Am I in trouble? No. Actually, ye ek naye novel ki manuscript hai. Main chahta hu ki aap ise padhe. And if you like it, aapki publishing house ise publish kare. Fix the Fox. Interesting title. What's the story about? Well, I don't want to kill the thrill by telling you the story. Read it. I'm sure you'll love it. Really? Well, Mr. Kapoor, in our publishing house... Please call me Arjun. It's less formal. Arjun. I like it that way. Arjun, main ye keh rahi thi ki waise to hamara publishing house kisi naye writer ko entertain nahi karta. But since you are behind it, I'll make sure I read it myself and take a decision. Great. Thank you very much. अभी अभी खबर मिली है कि सोनम बलात्कार और हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त राज ठाकुर को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। ये मामला पहले एडवोकेट अर्जुन कपूर लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अभियुक्त पर इल्जाम लगाया और केस को छोड़ दिया। उसके बाद इस केस को आगे बढ़ाया एडवोकेट देसाई ने और उन्होंने अदालत के सामने जिस तरह की दलीलें रखी वो वाकई में काबिल तारीफ थी। अदालत ने उन दलीलों पर गौर किया और उसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अभियुक्त राज ठाकुर Hey, Sophie. Mr. Kapoor, I mean, Arjun, I'm in love. What do you mean? Yeah, with your novel. It's a masterpiece. Well, great. I'm glad you like it. That's good news. And I can't tell you how happy I am, Arjun. Main ise publish karne ja rahi hu. Super. Fantastic. I just want to know one thing. Tumhare novel mein ek McNamara naam ka watermark hai. Is that your pen name or something? सोफी बात ऐसी है कि वेल नॉट अ चांस डार्लिंग, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस नॉवल को पब्लिश करूं तो आई नीड योर ओरिजिनल नेम, दैट्स माय यूएसपी। सो कल एनओसी के साथ तुम मेरे ऑफिस में आ जाना और हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। सोफी, ऑलराइट देन, आई विल सी यू टुमारो, बाय। या दिन छपेगी और मेरा नाम दुनिया में याद रखा जाए। हर आदमी चाहता है कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें। रॉयल्टी का इतना बड़ा अमाउंट और प्रॉफिट में 20% का शेयर, इज दैट टू जेनरस? वेल, स्पेशल डील फॉर अ स्पेशल राइटर। नॉवल तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। आई मीन, इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग। इतनी ज्यादा उम्मीद से डर लगता है। डर वहां होता है जहां शक होता है, और मुझे तो पूरा यकीन है। व्हाट अ टाइटल, फिक्स द फॉक्स। इनफैक्ट यू नो, मैं पढ़ के हैरान हो रही थी कि तुम खुद एक लॉयर हो के तुमने अपने सारे लॉस को फॉक्स कहा है। वेल, बट देन मे बी दैट्स व्हाट इज कॉल्ड राइटर्स ऑनेस्टी। कम, लेट मी शो यू समथिंग। यू मूव फास्ट। Quite amazing.
So do we proceed? Yes, sir. Wait till I sign. Madam, mark my words. This novel will be gold mine cash cow for us. हर कंट्री के पब्लिशिंग हाउस में हमारी चर्चा हो रही है. पर मैं ये चाहती हूँ कि ये चर्चा सिर्फ पब्लिशिंग हाउस की सीमित ना रहे. We should reach all the houses in India. Fix the Fox की सेल्स फिगर 4 गुनी बढ़ गई है. It's rocking, madam. It's rocking. आखिरी सवाल मिस्टर कपूर, इस नॉवल का इंस्पिरेशन कहां से मिला आपको? वेल, इसी तरह ना, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं और ऐसे काफी केसेस लड़े हैं मैंने जहां कोई ना कोई बात मन को छूती रही. उन केसेस को स्टडी करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना ये नॉवल. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर. थैंक यू तारा. थैंक यू वेरी मच. सर ले लो ना. सर सर प्लीज सर सर ले लो ना. सर सर बहुत अच्छी नॉवल है. सर सर बहुत चल रही है आजकल. सर सर ले लो ना. सर भैया सुनो. हाँ जी. अरे अरे ले लो ना मैडम. अरे बहुत अच्छी नॉवल है आजकल. बहुत चल रही है. सिर्फ 100 रुपए मैडम. ये लो. थैंक यू. क्या मैडम? मैं सुबीन बोल रहा हूँ. हाँ जुबिन, एनी मोर गुड न्यूज? इट्स नॉट अ गुड न्यूज, इट्स अ सुपर ग्रेट न्यूज. जी मीडिया ने फिक्स द फॉक्स को फास्ट एंड बेस्ट सेलर का अवार्ड घोषित कर दिया है. व्हाट? आई एम सो सॉरी टू बाजिन लाइक दिस बट आई हैड टू टेल यू दिस. फिक्स द फॉक्स मिस्टर कपूर फास्टेस्ट बेस्ट सेलर बन चुकी है. रियली? वाह. जिंदगी तुम पर मेहरबान हो रही है अर्जुन. आई एम थ्रोइंग अ पार्टी एंड यू विल बी द एपल ऑफ एवरीवन्स आई. ये पार्टी और ही छोड़ो सोफी. आई मीन वैसे भी इतना कुछ हो चुका है. इट्स फाइन. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है. वी आर गोना रॉक बेबी. जश्न 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 है भारी 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 जश्न 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 है भारी 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 खोए खोए से हम है खोए खोए से तुम आज हो गया फैसला मेरे दिल में हो तुम हम दम मेरे हम दम हो हम दम मेरे हम दम हो जश्न 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 है यार सलामत प्यार सलामत और दुआ क्या मांगूं तुझको पाके मैं रब से और भला बारी बारी बारी
अफसोस हो रहा ना मुझे यहां देखकर? तूने क्या सोचा मुझे फांसी हो जाएगी? वो क्या है ना कि तुझ जैसे लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया मैंने। अब तेरी नहीं, मेरे सोचने की बारी है। जो भी है समझ कर सोचना, तू जानता है तुझसे हमेशा आगे रहूं मैं। कहां वो चैंप और कहां ये दो कौड़ी का राइटर? You know something, Raj? I should have done this a long time ago. Arjun, let it be. Let it be. Please, let it be. Let's go. Let's go, Arjun. Let's go. Relax, Arjun. मुझे नहीं पता था तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। अगर पता होता तो मैं उसे बुलाती ही नहीं ना। It's okay, just take me home. नहीं, मैं तुम्हें कहीं और लेके जा रही हूं। कहां? वही जहां एक खूबसूरत सा गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस चेहरे के पीछे ऐसा दिमाग भी हो सकता है। It's rare, but really very attractive. Sophie, please. It's not you, it's just कि मेरी जिंदगी में सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। I need some time. Please don't misunderstand this. Not at all. Shweta, you don't have to be so formal. Please call me sweetie. Yeah, sure. Whatever you want. Thank you. Thanks. Wow. Sir, Amit Singh. Now I'm really jealous. And someone's really enjoying all the attention he's getting, huh? Itne sare fans, wo bhi pehle hi book mein. Thank you. Aage pata nahi aur kya hoga. Bahut aage ki bahut jaldi soch leti hai. Yehi tumhari problem. Excuse me, Viraf. Hi, sir. Sir, I'm a law student, sir. And sir, I'm a great fan of yours, sir. I just love you, sir. I just love you. I've been following all your cases, sir. Sir, Viraf. Hi, Viraf. Thank you very much. Really appreciate it. You know, actually, it is quite a rare quality. Tumhara ye vision ki main dobara ek novel. इसीलिए तो तुम्हारा नॉवल पढ़ते ही मैंने उसे प्रिंट करने का डिसीजन ले लिया था। यशवंत देश में। और मेरा जजमेंट कितना सही था ये तो तुम देख ही रहे हो। या थैंक यू। थैंक यू शोभा। उर्वशी माथुर, प्लीज साइलेंट, आई एम योर फैन। तुम गोवा कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। जब पता चला कि तुम रातों रात इतने बड़े राइटर हो गए हो तो रहा नहीं गया, सोचा चलकर मैं भी ऑटोग्राफ ले लूं। वेल उर्वशी, दिस सोफिया, माय पब्लिशर सोफिया उर्वशी।
हाय। हम दोनों लॉ फर्म में मेरे साथ मेरी कॉलेज थी और काफी क्लोज थी। एक्सक्यूज मी। या कंग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल नॉवल, लेडी पब्लिशर, फैंस की भीड़। मेरे लिए फ्री कब हो रहे हो? शाम को मिलते। ओमी शर्मा। वाह अर्जुन, कोई लकी हो तो तुम्हारे जैसा। मत से यू ट्रूली हैव द मिरास टच। लॉ फील्ड में तुमने 4 सालों में जो किया वो लोग 40 सालों में नहीं कर पाते, और अब यहाँ पर गलती से एक चोरी भी की तो कोई नहीं की। I don't know उर्वशी, I really don't know। मैंने गलती की कि नहीं, मैं तो वो नाकने वाले की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। लेकिन अब ये ऑटोग्राफ से बुक का बेस्ट सेलर होना, आई मीन गिल्टी तो जरूर महसूस कर रहा हूँ। क्यों? अभी तो क्रॉसवर्ड में बैठ के इस नॉवल के बेस्ट सेलर होने की ग्लोरी एंजॉय कर रहे थे। मुझे क्या पता था ये नॉवल बेस्ट सेलर बन जाएगा, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पूरी कर रहा था, और कर भी क्या सकता। आई नो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम खुश नहीं हो, पर कोई बात नहीं, जिंदगी तुम्हें दोनों हाथों से दे रही है, एंजॉय। जिंदगी में मिल रही है, जिंदगी में मिल रही है आज एक और जिंदगी, आज एक और जिंदगी। जिंदगी में मिल रही है आज एक और जिंदगी, कुछ नई सी लग रही है आज फिर से जिंदगी। जिंदगी जिंदगी तेरी मेरी जिंदगी, जिंदगी एक है ये जिंदगी, जिंदगी ओ जाने जा। जिंदगी जिंदगी तेरी मेरी जिंदगी, जिंदगी एक है ये जिंदगी, जिंदगी ओ जाने जा। जिंदगी में मिल रही है आज एक और जिंदगी। रुक जाते मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। फर्म के एक लॉयर के क्विट करने के बाद वैसे ही वर्कलोड बढ़ गया है। हाँ, अगर मेरे रुकने से इफ समवन कैन बी कन्विंस्ड टू बी बैक तो मैं रुक जाती। नॉट राइट नाउ, आई नीड सम टाइम। क्विट दिस अर्जुन, कम बैक टू लॉ, दैट्स वेयर यू बिलोंग। एनीवे तो मैं चलती हूँ, यू टेक केयर, कॉल मी वंस यू आर। See, bye. Love you. Hey. Sophia? No wonder. तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि कुलीग होने के साथ साथ वो तुम्हारे कुछ और भी है। तो पता चल गया। Yeah. No hard feelings, but partners तो हम अब भी हैं। Don't get excited, honey. Business partners. Come on, drop me home now. Yes, boss.
सर। बोलो। वो गुलाटी को रिमांड रूम में पहुंचा दिया है, आप पा रहे हैं सर? मैं तुमसे पूछताछ कर लूं। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बिजनेसमैन जतिन वाघ को एसीपी साहब ने रात को छुड़वा लिया, सब जानते हैं कि नदीम वाले केस में। गुड मॉर्निंग। वही आदमी दलाल था सर। एसीपी साहब की जेब भर दी होगी उसने, ऐसे अफसरों ने बदनाम कर दिया पूरे डिपार्टमेंट को। तुम भी घुस लेते हो? सर मैं? आंखें देखकर तो लगता है ईमानदार तुम भी नहीं हो। सॉरी सर। रवि, रवि। सॉरी सर। यहाँ सोने आते हैं या काम करने आते हैं? सॉरी सर, रात पार्टी में चला गया था, नींद पूरी नहीं हो पाई। मुझे कुछ डेटा देखना है। हाँ सर। कौन सा वाला रिकॉर्ड सर? 26 जुलाई 2004। November 3, 2005। Give me 5th Jan 2006. I knew it. क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, सो जाओ। एड़ा ये सब। क्या आप मेरा वेट कर रहे हैं? अर्जुन कपूर। क्या? ऑफ कोर्स। और आप? यशवंत देशमुख, क्राइम ब्रांच से। इज इट एन ऑफिशियल विजिट? नहीं, आपका नावल मुझे यहाँ खींच लाया, पढ़ते ही मैं उसके बाद आपका फैन बन गया। आप ही ने लिखा है ना? अंदर चलकर बात करते हैं। श्योर। कुछ लेंगे आप? बियर, विस्की, रम? फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी ड्रिंक ले लूं। आप विस्की पिए या रम, आपका तो वक्त चल रहा है कपूर साहब। चेस। तो क्या डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे? मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं मिस्टर कपूर, आपकी क्या डिटेलिंग है। वो जो अंडर वाटर मर्डर हुआ था मिस्टर लहरी का, क्या डिस्क्राइब किया था आपने। आप ही ने लिखा था ना? Yeah, I guess I think so. मैंने लिखा है क्यों? और वो जेके सिंह के मर्डर की डिटेलिंग जो आपने की है, भाई कमाल है। ऐसा लगता है जैसे वो मर्डर आपकी आंखों के सामने हुआ है, जूतों के रंग से लेकर शर्ट के बटन तक जो आपने डिटेलिंग की है। आप ही ने लिखा है ना? हाँ मैंने। और वो शिव दिसानी का मर्डर,
आपने तो यहाँ तक लिखा है कि उसे मरते वक्त भी अपने बीवी या बच्चे का नाम नहीं, आपने मिस्ट्रेस का नाम लिया। और खून सिर्फ उसके दोनों कानों से नहीं निकल रहा था, बल्कि उसकी बाएं आंख से भी खून की एक बूंद निकल रही थी। भाई वाह, क्या डिटेलिंग की आपने, ये भी आप ही ने लिखा है ना? आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं कि यह किताब मैंने लिखी है कि नहीं। किताब पर तो मेरा ही नाम लिखा है ना। मिस्टर कपूर, मुझे आपकी किताब बहुत अच्छी लगी है, सिर्फ मैं आपके मुंह से यह सुनना चाहता हूं कि यह सब आप ही ने लिखा है। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, यह किताब मैंने लिखी। बस यही तो सुनना चाहता था मैं। बॉयज कम इन। What the hell is this? Hell is where you're going. लेकिन मेरा कसूर क्या है? वहीं बताऊंगा। मैम, आप मिस्टर अर्जुन कपूर की गिरफ्तारी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? मैम, ऐसी क्या बात हो गई जो इस किताब को लेकर उन्हें अरेस्ट किया गया? देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। This is news for me also. I don't know anything about it. Let me get to the detail of it first. फिर मैं मीडिया से बात करूंगी। Thank you. सुबे, yes? नॉवल कॉन्ट्रोवर्सी में 1,00,000 कॉपीज के रन बढ़ा दो। 1,00,000? मिस्टर कपूर, आई एम एडवोकेट गैरी और इस केस में मैं आपके खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। व्हाई डू कम टू द पॉइंट, मेरा कसूर क्या है? नॉवल लिखने का जुनून जो आप पर चढ़ा था, वही जुनून अब आपको डुबोने जा रहा है। नॉवल लिखना कोई गुनाह नहीं है। मैंने कब कहा? नॉवल लिखने वालों को इज्जत मिलती है, उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन आपने जो लिखा है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। वो नॉवल जिसमें आपने 5 मर्डर की कहानी लिखी है, वो एक्चुअली हुए हैं। वो जगह, वो वाकया, हूबहू, दे आर रियल। और वो 5 मर्डर्स की फाइलें पुलिस के रिकॉर्ड रूम में बंद पड़ी, और वो बंद इसलिए पड़ी हैं क्योंकि एक सुराग की कमी है, और वो सुराग या तो मरने वाले जानते हैं या मारने वाला। मरने वाले तो मर गए, लेकिन मारने वाला जो के आप हैं। मिस्टर कपूर, आई डोंट बिलीव इट। खुद एक वकील होके आपने वकीलों की हत्या की, अपनों का खून किया, और फिर मजे लेके आपने उनके बारे में लिखा। यू कॉल देम फॉक्स, यू कॉल देम कनिंग। आपका हर शब्द कोर्ट में आपके लिए फांसी का फंदा बन के साबित होगा। ये झूठ है, ये किताब तो इट्स फिक्शन, डैम इट। मरने वालों के नाम से लेकर जगहों के नाम और वो सारी डिटेल्स जो आपने अपनी नॉवल में मेंशन की हैं, दे आर रियल मिस्टर कपूर, दे मैच विद द पुलिस रिकॉर्ड्स। अब आप उससे ये मत कहिएगा कि ये उपन्यास आपने लिखा ही नहीं। ये मिस्टर कपूर कह ही नहीं सकते। मैंने इसे बार बार पूछा था, क्या ये आपने लिखा है, क्या ये आपने लिखा है, और इन्होंने चिल्ला के कहा हाँ ये मैंने लिखा है। मिस्टर कपूर, मैं झूठ कह रहा हूं। I won't be lying. Sure. What's all this? I don't know. अगर तुमने मुझे भी नॉवल के बारे में नहीं बताया होता तो शायद आज मैं भी बिलीव नहीं करती। मैंने मर्डर की फाइल चेक की, बुक भी दोबारा पढ़ी। ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम।
नॉट। तुम बताओ। सबसे पहले वो उर्मी मैकनमारा, उसका डेथ सर्टिफिकेट ले। जितने सबूत एविडेंसेस मिलते हैं सारे इकट्ठे करने पड़े। January 10, 1986। ये लो आपका सर्टिफिकेट। लंच ब्रेक हो गया मैडम, चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो एक घंटे बाद आओ, चलो चलो। भाई साहब प्लीज प्लीज लिसन टू मी, बहुत इमरजेंसी है, सिर्फ एक मिनट लूंगी। मैडम यहाँ सबको इमरजेंसी होती है। चलिए बोलिए नाम, बोलिए नाम, बोलिए नाम क्या है? विवियन मैकनमारा, 24 जुलाई दिस ईयर मापसा। विवियन मैकनमारा, नो मैडम, इस नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट हमारे यहाँ नहीं है, आप शायद नाम भूल रही हैं। नहीं, नाम तो विवियन मैकनमारा ही है। बोला ना मैम नहीं है। दो चार दिन आगे पीछे का देख लीजिए, आई एम श्योर होगा। मैडम नहीं नहीं, आपके सामने मैं देख रहा हूँ, आप लोग लंच टाइम में क्यों परेशान करते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, उसका नाम वही था विवियन मैकनमारा, तुमने आगे पीछे सब चेक करवाया। पूरे एक महीने के रिकॉर्ड्स में इस नाम के किसी आदमी की डेथ नहीं हुई है। कांस्टेबल गायतोंडे वही उस दिन ड्यूटी पर था जिस दिन मैकनमारा की डेथ हुई थी, उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ बता देगा। फाइंड इट गायतोंडे। शिवाजी शिंदे, हरिराव वर्धन, अरुण, क्या नाम बताया मैडम आपने? गायतोंडे, कांस्टेबल गायतोंडे। नहीं मैडम, मापसा के एरिया में तो कोई कांस्टेबल गायतोंडे है नहीं। जरा आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक कर लीजिए। मापसा के एरिया में तो कोई मापसा का ही पुलिस वाला जाएगा ना मैडम, रूल तो रूल है। आई नो, बट प्लीज आप एक बार देख लीजिए, आसपास के एरिया में चेक कर लीजिए। ओए, चाय गरम करके ले क्या? जी साहब। क्या रे बाबा, तुम लोग भी ना मैडम, बस इधर देखो, ये कालंगुट, पंजिम, मडगांव, इधर के किसी एरिया में कांस्टेबल गायतोंडे नहीं है। प्लीज मैडम अभी जाओ, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। आसपास के सारे एरिया चेक करवा लिए अर्जुन, कहीं कोई कांस्टेबल गायतोंडे नहीं है। अब इन सारा पुरुषी, इसका मतलब कोई मेरे पीछे है। मेरी बात मानो तो इसका एक ही सलूशन है, एक ही आदमी है जो अब हमारी मदद कर सकता है। कौन? यशवंत देशमुख। तुम पागल हो गए ऋषि, द गाइज आई एम साइको, सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और तुम भी तो काम के वक्त ऐसे ही थे ना। मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। करना पड़ेगा अर्जुन, और कोई रास्ता नहीं है। सर, सर वो अर्जुन कपूर साहब आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करना चाहता है। अर्जुन कपूर साहब? साहब क्यों? He's a criminal, 5 कत्ल कर चुका है। सर मेरे को लगता है कि वो बेचारा। बेचारा? बेचारा क्यों? सॉरी सर। जाओ। आई एम वेरी सॉरी सर। क्रिमिनल, बेचारा। बात किया मैं उससे, बहुत मोटी खोपड़ी है, समझ ही नहीं आता उसको। आई एम सॉरी। मैंने कहा था तुमसे, तो यहां क्या कर रहा है? मदद करना चाहता हूं तेरी। बोल, तेरे लिए कंट्री का कौन सा लॉयर हायर करूं? यू नो अर्जुन, मैं तेरे लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता हूं। अपने पैसे बचा के रख राज, तू तो क्रिमिनल है, पुलिस और कानून को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है।
यू नो अर्जुन, मेरे फ्यूचर से ज्यादा तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी लटका देंगे तुम्हें। मुझे नहीं पता था इस काले कोट के पीछे पांच पांच लोगों के खून के धब्बे होंगे। आई थिंक यू आर अ साइको। ये कैपिटल पनिशमेंट से पहले तुझे किसी मेंटल असाइलम की बिल्डिंग में घुमाना चाहिए। तूने किया ना सब कुछ। एक बात समझ ले, यहां से छूटूंगा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले छूट कर तो आ जा मेरे भाई। आई जस्ट होप अर्जुन कि मैं तुझे आखिरी बार नहीं देख रहा हूं यार। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। मैंने पी हुई है और पीऊंगा। ड्यूटी पे नहीं हूं, कल सुबह ऑफिस आ। मुझे आपसे अभी बात करनी है प्लीज। बहुत भरोसा है तुम्हें अर्जुन कपूर पर, उसकी बेगुनाही पर? बहुत ज्यादा सर। अर्जुन किसी का खून नहीं कर सकता। जो हर रोज अदालत में पैसों के दम पर सच को झूठ साबित करने का खेल खेल सकता है तो कुछ भी कर सकता है उर्वशी। आप गलत कह रहे हैं सर। अपनी जमीर को फेस नहीं कर पाया वो, तभी तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। पीक पर था उसका करियर, पर ही लेफ्ट एवरीथिंग। और जब उसने अच्छा आदमी बनने की शुरुआत की तो किसी ने उसे इतनी बुरी तरह फंसा दिया। मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अर्जुन से मिले, उसकी बात सुन ले। वो आपसे कुछ कहना चाहता है। कल 11 बजे तुम भी आना। बी ऑन टाइम। थैंक यू सर। मुझे फंसाया गया। राइटर तुम कमाल के हो। कमाल की कहानी लिखी है? ये कहानी नहीं है, बिलीव मी। कानून सबूत में यकीन करता है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है अर्जुन कपूर। मैं अंदर बैठकर कैसे सबूत खोज सकता हूं? एक बार बाहर निकालिए, जमानत मिल गई, आई एम श्योर सबूत भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। सोच लो यशवंत, 5 दिन की जमानत पर अर्जुन कपूर तुम्हारी कस्टडी में दिया जा सकता है, लेकिन इस दौरान अर्जुन कपूर के साथ कोई भी हादसा या वो तुम्हारी कस्टडी से भाग निकला तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? यू हैव टू बी विद हिम 24/7। यस सर। ओके देन, गो अहेड। Thank you. ये मेरा घर है, क्राइम ब्रांच का लॉकअप नहीं। यहां पर तो मेहमानों की तरह रहना। बस इतना मत भूल जाना कि यहां पर भी मैं ड्यूटी पे हूं। रियली नाइस हाउस, बहुत अच्छा घर है आपका। थैंक यू।
अच्छा होता कि तुम इस अच्छे घर में 5 दिन से ज्यादा रह सकते। अफसोस की बात है कि 5 दिन बाद तुम्हें लॉकअप जाना होगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? आप यकीन कीजिए, अर्जुन बेकसूर है। 5 दिन में यकीन दिला सकते हो तो दिला दो, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, मैं भगोड़े क्रिमिनल्स को गोली मार देता हूं। वो सामने, that's his house. Yeah, I will. यही उसका घर है। यहां लगता है हफ्तों से कोई नहीं रह रहा। आई प्रॉमिस यू सर, यही मैकनमारा का घर है। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप किसी पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। कितना डोरबेल मारता है, क्या लगा यहाँ? दो टाइम घंटी क्यों मारता है? सॉरी मैम, हम लोग ने आपको डिस्टर्ब किया। पहले डिस्टर्ब करता है उसके बाद माफी मांगता है। चलो चलो जल्दी बोलो, काम क्या है? सामने वाले घर में मैकनमारा रहते थे, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सामने वाले बंगले में अरे मैकनमारा कोई नहीं रहता था, मिस्टर डिसूजा रहता था। डिसूजा? हाँ। नहीं, लेकिन वो सामने वाले बंगले में एक बूढ़ा आदमी रहता था, चश्मा पहनता था, बड़ी नाक। हाँ, हाँ, हाँ। वो ना, वही मिस्टर डिसूजा। अरे कड़ाई जी, अरे इतना अच्छा आदमी था, ऐसा टैलेंट सबको देखा। मालूम है क्या, उसने एक हफ्ते के लिए बंगला किराए पर लिया और उसने पूरा पैसा भी एडवांस में दे दिया, और वो भी कैश में। मगर इस महीने की 12 तारीख को पुलिस आई थी क्योंकि मैकनमारा की डिसूजा की डेथ हो गई थी। डिसूजा की डेथ हो गई 12 तारीख को? सुबह सुबह में आके मुझे चाबी देके गया वो। That's not possible. सोचने का वक्त चला गया कपूर साहब, अब सोचने का वक्त है। बंगला किराए पर लेने से पहले उन्होंने आपको कोई पता, कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस दिया था? नहीं। कोई फोन नंबर तो दिया होगा? कुछ नहीं दिया। नहीं, सिर्फ 8 दिन के लिए आया था, इतना छोड़ा। ठीक है, आपके उस घर में कोई लैंडलाइन होगी, उसका नंबर मिल सकता है? एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है, इतने सवाल क्यों पूछते हैं? मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, पुलिस को उस आदमी की तलाश है। पुलिस? ओह गॉड, उसने कोई लफड़ा बफड़ा तो नहीं किया ना? वैसे भी उस घर की लैंडलाइन का नंबर लेके क्या फायदा, उसने कभी भी बंगले में से फोन नहीं किया क्योंकि लाइन काट गया था। वो बंगले के बाजू में जो पीसीओ है ना, वो देखो देखो उधर दिखता है ना, वहाँ से वो हमेशा फोन करता था। यहाँ का नंबर ले लिया है, अब रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ, शायद कोई क्यू मिले। आपके स्टार्स कुछ गड़बड़ लग रहे हैं कपूर साहब, पीसीओ के रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। आप भगवान को तो मानते नहीं होंगे, इसलिए आपने कभी अपनी कुंडली भी दिखाई नहीं होगी, और लगता है अब कुंडली दिखाने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। आई फील सॉरी फॉर यू। क्या हुआ लौट घूमकर जीरो? लोमड़ी जैसा शातिर दिमाग चलने से बंद हो गया कपूर साहब? मिस्टर देशमुख, हम आपसे मदद चाहते हैं, और आप भी लॉ के आदमी हैं, एक बेकसूर को आप जस्टिस नहीं दिला सकते? मैं एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर, क्या मदद कर सकता हूँ? चलिए कपूर साहब, आपकी मदद कर ही देता हूँ। बताइए आपके कितने दुश्मन होंगे? मैंने कितने केसेस लड़े, कितनी लंबी लिस्ट बनाओ, हजारों होंगे। सोचो उनमें से कोई ऐसा आदमी होगा हु हेट्स यू द मोस्ट। राज ठाकुर। क्या? राज ठाकुर, वही हो सकता है इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे। कहाँ रहता है? मुंबई में। मुंबई? मतलब 2 दिन लगेंगे, 5 में से 2 दिन गए। सोच लो, आर यू श्योर? यस। ठीक है, तो कल सुबह निकलते हैं, और आप घर संभालेंगी।
ये लखी, यहाँ पे तो फंक्शन चल रहा है। अब हम इस भीड़ का फायदा उठाकर अंदर जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रहे हो? Shut the door, yeah. They will see us. Subin, this better be good. Madam, India ही नहीं, Dubai, London और US से भी Fix the Fox Novel के orders आ रहे हैं. Good. क्या बात है? You know, जब से अर्जुन जेल गया है, मेरी novel की sales 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है. His arrest has been really good for my business. एक बार अर्जुन को फांसी लग जाने तो, फिर देखना. तुम्हारे नॉवल की सेल 4 से बढ़कर 8 गुना हो जाएगी. मुझे फंसाने चला था. इनमें वो चेहरा नहीं जिसे तुमने मैकनमारा बताया. उस लेडी ने उसे डिसूजा बताया. जिस कांस्टेबल गायटुंडे को तुम ढूंढ रहे हो, गोवा की पुलिस रिकॉर्ड में उसकी कोई फोटो भी नहीं है. मेरे ख्याल से तुम अपनी स्टोरी ठीक कर लो. हर क्रिमिनल तो अपने असली नाम और पहचान के साथ ही क्राइम करता है ना. इट्स वेरी ऑब्वियस मिस्टर देशमुख की गायतुंडे और मैकनमारा उनके फर्जी नाम थे. वकील साहब,
तो फिर इन फर्जी नामों के पीछे हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? मुझे लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। I'm confused. I'm very confused and I have every reason to be confused because I'm the one who's stuck in this mess. लेकिन आप एक साजिश को साजिश मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, उस old lady ने उस आदमी का नाम डिसूजा कहा, लेकिन उसका हुलिया और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मैकनमारा से मैच होता है। ये आदमी गायतोंडे जिसको हम ढूंढ रहे हैं, आई मीन ही कुड बी अ फेक कॉप, गॉड डैम इट, वो 100% मैकनमारा से मिला हुआ है। कल रात मेरी पब्लिशर सोफिया को मेरे सबसे बड़े दुश्मन राज ठाकुर की बाहों में देखने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पाए। बट यू नो व्हाट्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट मिस्टर देशमुख, कि आप यहां क्या कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर हेल्पिंग मी वन बिट। मिस्टर कपूर, लेट्स होप राज ठाकुर के फोन रिकॉर्ड में से हमें कोई क्लू मिले, बिकॉज दैट्स योर लास्ट चांस। सर, सर ये लीजिए, पिछले 3 महीनों के राज ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स की फाइल। क्या बात क्या सर, ये फाइल किस लिए है? सॉरी सर। आपको राज ठाकुर के रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला? इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन लड़कियों के नंबर्स जिसके साथ इस वक्त उसका रोमांस चल रहा है। कपूर साहब, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस से आपने इतने सारे केसेस जीते हैं। आपके पास येलो पेजेस हैं? येलो पेजेस, उसे क्या करेंगे आप? अर्जुन को लगता है मैकनमारा जैसा अजीब नाम गोवा में गिने चुने लोगों का ही हो सकता है। वी थॉट वी कुड लुक इनटू इट। येलो पेजेस, ठीक है, आई विल गेट यू द येलो पेजेस। सिर्फ 3 नंबर्स मिले। हाय दिस वन, कैन आई टॉक टू मिस्टर मैकनमारा? या, कैन आई स्पीक टू मिस्टर विवियन मैकनमारा? सॉरी, ये तो कोई बिजनेसमैन है एंड इज आउट ऑफ टाउन। नो रिस्पांस। मेरा पहला नंबर किसी बच्चे का था, 639241। इसका एड्रेस है हमारे पास, इसी नंबर से कोई रिस्पांस नहीं आया। शायद यहीं से शुरू करना चाहिए। टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock, बी रेडी। आई एम सॉरी आई एम लेट, लेट्स गो। हेलो, हाँ ठीक है, मैं पहुंच। यू सिट इन फ्रंट। कोई जरूरी काम आ गया, मुझे जाना है। लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे केस और अर्जेंट क्या हो सकता है? यहां मेरी जान खतरे में। तुम दोनों साथ में चले जाओ और देखना तुम दोनों को कोई देखे ना। और हां, सीधे घर वापस आना। यस मिस्टर विवियन मैकनमारा? या दैट्स मी, टेल मी। तो इसलिए आप विवियन मैकनमारा को ढूंढ रहे हैं? देखिए, एज अ डॉक्टर मैं रोज नए नए पेशेंट्स को मिलता हूं, बट राज ठाकुर डज नॉट रिंग अ बेल। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी तलाश में गलत जगह आ गए हैं। वेल थैंक्स डॉक्टर, ये बात अगर फोन पे हो जाती तो आज हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। बट वी आर ट्राई टू कॉल यू यस्टरडे। वेल एज यू कैन सी, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ एंड आई हैड गोन ऑन अ कॉल, तभी आपका फोन यहाँ किसी ने नहीं उठाया। बट एनीवे, इसी बहाने एक फेमस लॉयर से मुलाकात तो हो गई। वेल थैंक्स डॉक्टर। आई एम सॉरी बेबी, बट आई एम श्योर वी आर मिसिंग समथिंग। आई नो दैट, मगर क्या
ये सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ है। कौन, किसकी बात कर रहे हो? सोफी और को। अगर वो मुझे इस किताब में अपना नाम देने के लिए मजबूर नहीं करती तो मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता। तुम्हारे नॉवल में एक मैकनमारा नाम का वाटरमार्क है। Is that your pen name or something? Of course. I got it, babes. I got it. It's about the watermarks. जो मैंने उसके पेन सोफी को दी थी उसमें मैकनमारा के वाटरमार्क्स लगे हुए। पर तुमने तो वो कॉपी जला दी थी। जो कॉपी मैंने जलाई थी वो सिर्फ जेरोक्स थी। ओरिजिनल सोफी के पब्लिशिंग हाउस में। If I get that copy, I can work on this case. ये बात हमें यशवंत को इमीजिएटली बतानी होगी। इस वक्त? हमारे पास वक्त कहाँ? Come on. I got it, Mr. Deshmukh. I got it. I'm sorry, आपको उसे जगाना पड़ा। But what have you got? Original manuscript में मैकनमारा के नाम के वाटरमार्क्स हैं। I can prove my innocence under benefit of doubt. वो manuscript अभी भी publishing house में मौजूद है। Good. पहली बार तुमने कुछ सही सोचा है। लेकिन कल सुबह तुम नहीं, मैं जाऊंगा। क्योंकि कल तुम्हारे 5 दिन खत्म हो रहे हैं। तो सुबह 7 बजे मैं तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा। 9 बजे जब पब्लिशिंग हाउस खुलेगा, I will take Urvashi with me. manuscript ले आऊंगा। कपूर साहब उठिए, कपूर साहब। मॉर्निंग सर। यशवंत भैया, लेट्स गो। वो अंदर जा रहे हैं और ऋषि तुम्हें अंदर जाना होगा। यशवंत ने मुझे देख लिया तो? यशवंत से पहले मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलनी चाहिए और ऋषि उसकी नजरों से बचो। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। I promise. Please. Go. क्या हुआ सर? आपको यहाँ पर कोई टेररिस्ट अटैक की जानकारी मिली है या फिर किसी ऐसी बुक की जानकारी जिससे आपको कोई खतरनाक टेररिस्ट का सुराग मिल सके? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात है तो प्लीज बता दीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मैम, मुझे एक नॉवल की मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए। मैडम आप वेयर हाउस में जाइए, वहाँ बात कीजिए। ओके, आप अपना काम कीजिए। सर ऐसे माहौल में कौन काम कर सकता है? सर सर आई एम वेरी स्कैर्ड। सर आपको यहाँ पर कोई काम करने वाले व्यक्ति पर तो शक नहीं है ना? नो 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 सर, आई एम एब्सोल्युटली क्लीन सर, आई स्वेयर। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। देखिए मुझे एक नॉवल की मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए, फिक्स द फॉक्स। आप राइटर हैं क्या? नहीं मैं राइटर की लॉयर हूँ। आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है क्या राइटर का दिया?
नहीं, पर देखिए बहुत अर्जेंट है, मुझे कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। ऐसा नहीं होता ना मैडम, देख लिया सर? हाँ सब ठीक है। अच्छा साहब, देखिए मुझे सिर्फ एक बार वो मैन्युस्क्रिप्ट दे दीजिए प्लीज। अरे आप मानेंगे नहीं मैडम, आइए देख लीजिए, पल ले जाने को नहीं मिलेगा। नहीं ले जाऊंगा। हाँ अर्जुन कहाँ हो तुम? I was looking for you. I know. अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट तो वहाँ है ही नहीं, शायद कोई ले गया वहाँ से, like just about now. I know, गए तो नहीं ले गया, वो भागते भागते गलती से यशवंत देशमुख के घर में घुस गए, मैं उसे चेस कर रहा हूँ, ऋषि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ, ओके? ठीक ठीक है, मैं आ रही हूँ फिर।
अर्जुन, 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 ये सब क्या है? ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? ये सब के पीछे वही था. इज अ गॉडडैम साइको. तुम्हारा फोन दो. मैं सबको जान गया यशवंत. ओल्ड फोर्ट में मिलते हैं एक घंटे में. जस्ट यू एंड मी. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम अकेले नहीं जाओगे. आई नो व्हाट आई एम खेल के पीछे तुम ही थे. तुम ही थे जिसने उन वकीलों की हत्या की और मुझे फंसाने की कोशिश की. क्यों? हां, बाय द वे, गायतुंड की तस्वीर मिल गई. तो इसी गायतुंडे को मैक्नमारा एक राइटर बनाकर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की. मगर क्यों? तुम हो कौन यशवंत? हां, एक इंस्पेक्टर, क्रिमिनल, या फिर एक साइको? तुम जो भी हो, मेरे पीछे क्यों लगे हो? क्यों? यशवंत, पिछले 6 सालों में मैंने तुम जैसे कई कमीने वकील मारे हैं, और जब तक मैं तुम जैसे सभी क्रिमिनल्स को नहीं मार दूंगा, मेरा मिशन पूरा नहीं होगा. हम क्रिमिनल्स को पकड़कर जेल में डालते हैं, और तुम जैसे लॉयर्स कुछ पैसों के लिए उन्हें जेल से छुड़वा देते हो. ऐसे ही एक कमीने ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बीवी और बच्चे पर गोली चलाई. भैया को बहुत पसंद है. चलो बेटा. उस वक्त मैं मुंबई में पोस्टेड था जब यह हादसा हुआ. इसका भाव क्या है? भी वहीं मर गई और मेरा बेटा कोमा में चला गया. मैंने रोहन की सेफ्टी के लिए मुंबई से गोवा ट्रांसफर ले लिया. सॉरी यशवंत, पिछले कई सालों से सारी कोशिशें करके हार गए हम. मैं रोहन को बचा नहीं सका. मैंने उस क्रिमिनल को कानून के हवाले किया, क्योंकि जिस वक्त इनकी बीवी और बच्चे का कत्ल हुआ था, मेरा क्लाइंट वहां मौजूद ही नहीं था. उनका रेलवे टिकट और दूसरे सबूत आपको दे दिए गए हैं. योना, ये झूठ बोल रहा है. इसी आदमी ने सबके सामने मेरी बीवी और बच्चे पर गोली चलाई. इज लाइंग योर ऑनर. बिहेव योर सेल्फ मिस्टर देशमुख, ये अदालत है, आपका लॉकअप नहीं. कॉन्स्टेबल शिंदे वहां प्रेजेंट था. आस्क हिम. ही इज द किलर योर ऑनर, ही इज द किलर. क्या डिफेंस और कुछ पूछना चाहता है? तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुन्ना को बाइज्जत बरी करती है. उस कमीने को तुम जैसे वकील ने छुड़वा दिया. यशवंत, स्टॉप इट. तब से मैंने फैसला किया कि मैं हर उस क्रिमिनल लॉयर को मार दूंगा जिसने क्रिमिनल्स का साथ दिया. इसलिए मैंने उन 5 क्रिमिनल लॉयर्स को मार दिया. तो फिर मेरे पीछे क्यों थे? मैंने तो वकालत छोड़ दी थी. जानता हूं, मैं तुम्हें मारने आया था. यस ऑफ कोर्स आई नो इट्स पार्ट ऑफ बीइंग क्रिमिनल लॉयर, दैट्स व्हाई आई एम फेड अप. देखा कि तुम बदलना चाहते हो. लौट गया. गौ में अचानक जब मैं तुम्हारे साथ टकराया, तो लगा ये
इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचा क्यों ना तुम्हें आजमा कर देखूं। मैंने शिंडे को मैक्नोमारा बनाकर तुम्हारे पास भेजा था। जिस बंगले में वो कांस्टेबल तुम्हें रोक रहा था वो भी शिंडे था। मेरा शक सही निकला, तुम बदले नहीं थे, किसी और राइटर की ग्लोरी को खुद एंजॉय कर रहे थे और मैं ये सब देख रहा था। मैंने उस बुक को अपने नाम पर पुलिस स्टेशन में कुरियर करवाया ताकि पुलिस स्टेशन में किसी को ये शक ना हो कि मैंने ये केस खुद क्यों रीओपन किया है। ग्रेट, सुपर्ब, लेकिन कुछ बारीकियां तो मिस कर गए यशवंत। कोई भी पब्लिशिंग हाउस मैक्नमारा के नाम से किताब पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मुझे अपना नाम देना पड़ा। और मुझे कैसे पता किताब एक बेस्ट सेलर बन जाएगी? इसलिए जितने भी चेक्स मैंने लिए थे वो मैक्नमारा चैरिटी ट्रस्ट के नाम से लिए थे। यू शुड हैव फाउंड दैट आउट। और रही बात दौलत और शोहरत की, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि दोनों है मेरे पास। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। खुदी थैंक यू। एक बात तुम्हारे मुझसे सुननी थी। इट्स ओवर यशवंत। You haven't changed. केस में हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली है और इस आदेश के बाद राज ठाकुर को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हे अर्जुन, वेलकम बैक माय बॉय। तुम्हारे आने से पहले केस फाइल्स रेडी हैं। तुम्हारे पुराने क्लाइंट्स की दोबारा भीड़ होने लग गई है। बोलो किसके केस से शुरू करोगे? सर, मैंने तय किया कि मैं क्रिमिनल्स के केसेस नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो सिर्फ सच के लिए। ओके, गो अहेड माय बॉय, गुड लक। खुद तो ही मैंने ना पहचाना।
जाए कहां ये रास्ता।